कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, तो आज हम बात करेंगे कोल की। नर घोड़े को कोल कहते हैं जो 4 साल से छोटा होता है। एक इक्वेड़े परिवार का सदस्य है जिसमें जेबरा, टट्टू, खच्चर, गधा ये सब आते हैं। घोड़ों को उनके लिंग के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मादा को मेयर, नर को स्टैलियन और नर बच्चे को कोल्स और मादा बच्चे को फिलीज कहते हैं। घोड़ों का निकटतम रिश्तेदार गैंडा है। ये शाकाहारी जीव है। ये जुबाली करते नहीं पाए जाते क्योंकि ये खाना अपना एक बार में ही चबा कर खा लेते हैं। ये खूबसूरत जानवर वर्षों से मनुष्य का मित्र रहा है। ये स्वामी भक्त जानवर है और कई तरीकों से मनुष्य को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सभी तरह के घोड़े छोटे हो या बड़े एक ही तरीके आवाज करते हैं, ने। तो आज की कविता शुरू करें, चलिए करते हैं। हम्प्टी बैठा दीवार पे, हम्प्टी गिर पड़ा धड़ाम से, राजा के घोड़े वे आदमी हम्प्टी को जोड़ न पाए वो भी। हम्प्टी बैठा दीवार पे, हम्प्टी गिर पड़ा धड़ाम से, राजा के घोड़े वे आदमी हम्प्टी को जोड़ न पाए वो भी। हम्प्टी बैठा दीवार पे, हम्प्टी गिर पड़ा धड़ाम से, राजा के घोड़े वे आदमी हम्प्टी को जोड़ न पाए वो भी। हम्प्टी बैठा दीवार पे, हम्प्टी गिर पड़ा धड़ाम से, राजा के घोड़े वे आदमी हम्प्टी को जोड़ न पाए वो भी। चलिए दोबारा गाते हैं। हम्प्टी बैठा दीवार पे, हम्प्टी गिर पड़ा धड़ाम से, राजा के घोड़े वे आदमी हम्प्टी को जोड़ न पाए वो भी। हम्प्टी बैठा दीवार पे, हम्प्टी गिर पड़ा धड़ाम से, राजा के घोड़े वे आदमी हम्प्टी को जोड़ न पाए वो भी। मजेदार कविता थी ना? तो अब जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, बाय।